हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संग्राम सिंह। खुले दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे फिर से। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ काला घोड़ा फेस्टिवल कवर करने, जो कि 1999 में शुरू हुआ था और उसने इस साल पूरे 20 साल कंप्लीट कर लिए। थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा डर है, लेकिन डर के आगे जीत है। नर्वस इसलिए क्योंकि आज तक मैंने कोई इतना बड़ा फेस्टिवल ब्लॉग नहीं किया, लेकिन ट्राई मारना बनता है यार। अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाना, बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि जब कोई एक बंदा भी सब्सक्राइब करता है ना, इतनी खुशी होती है ना, मेरी खुशी सातवें आसमान पर होती है। और ऐसा लगता है बस मेहनत करते जाओ, ब्लॉग बनाते जाओ, ब्लॉग बनाना कभी छोड़ू नहीं। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम पास किए हम शुरू करते हैं। यार शुरू से याद आया कि ये ब्लॉग की शुरुआत नहीं है, शुरुआत तो कहीं और से हुई है। तो फिर शुरुआत शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संग्राम सिंह। अभी इससे पहले जो आपने संग्राम सिंह देखा वो था 2019 का संग्राम सिंह, जो यहाँ आया था 20 काला घोड़ा फेस्टिवल व्लॉग करने के लिए। और ये संग्राम सिंह है 2020 का संग्राम सिंह है, जो आया यहाँ 21 काला घोड़ा फेस्टिवल व्लॉग करने के लिए। और जैसा मैंने कहा था, वादा निभाया। भले उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग तो बनाते जा रहा हूँ। और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, विच आई एम नॉट गोना स्टॉप, क्योंकि नाउ इट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अभी इट्स नॉट ओनली अबाउट सब्सक्राइबर्स, gaining subscribers, gaining views, earning money, I mean all those parts are also important, but सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है। Now it's all about creating memories, और vlog तो बनाते रहने ही है। अभी बज रहे है भैया 4:21, एकदम perfect time पे मैं यहाँ पर हूँ। ना ज़्यादा धूप है, ना ज़्यादा अंधेरा है। तो जिस किसी को काला घोड़ा फेस्टिवल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि काला घोड़ा फेस्टिवल सिर्फ मुंबई का ही नहीं, हमारे इंडिया का इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल, जो यहाँ बीटी तरफ होता है हर साल फरवरी मंथ में, जो सबसे पहला सैटरडे होता है वो सैटरडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक, यानी टोटल 9 दिन का होता है। तो इस साल ये शुरू हुआ 1 तारीख को और ये 9 तारीख तक है। तो अगर आप ये व्लॉग 9 तारीख के पहले देख रहे हो तो आओ और एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, अपना जो आर्ट है जो बनाया है वो लाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा होता है। तो जिस किसी को भी आना है वो वीटी स्टेशन से टैक्सी, बस, ये सारी चीज़ें पकड़ कर जा सकते हैं, और किसी को बस वॉकिंग करनी है तो वॉकिंग करके भी जा सकता है। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए काला घोड़ा। यहाँ पीछे एंट्रेंस है, यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं है किसी के लिए भी, कोई भी एज ग्रुप के लिए, सारी एज ग्रुप के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो आप आके एकदम फ्री में एंजॉय करके जा सकते हो। सो लेट्स गो इनटू द फेस्टिवल नाउ। तो यहाँ पर होता है सिक्योरिटी चेक, जो कि एकदम ज़रूरी है। अगर कोई भी यहाँ पर आता है, जो सिक्योरिटी चेक होता है उसमें खुले दिल से पार्टिसिपेट करे, इसमें पीछे ना रहे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं काला घोड़ा फेस्टिवल में। यह इज़ द मेन एंट्रेंस। रॉस, बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं लग रहा है यार, क्योंकि मेरी वाइफ और बच्चू महाराज दोनों गए गाँव। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग भी मेरे साथ होते हैं और वो लोग ऐसी सब जगहों पर आते हैं। ब्लॉग करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। आज थोड़ा सा लो फील हो रहा है क्योंकि वो लोग गए गाँव, उसका ही मैंने ब्लॉग बनाया था। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा। अभी हम क्या करेंगे, हम अपने तरीके से आप लोगों को काला घोड़ा फेस्टिवल दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पीछे है शीशे का घर, तो आइए देखते हैं शीशे के घर में और क्या क्या दिखाई देता है। और ये है पूरा टाइम टेबल 9 दिनों का, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इफ़ यू वांट यू कैन गूगल इट, गूगल पे भी पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। और ये है द वर्ल्ड फेमस काला घोड़ा। तो इस शीशे के घर को कहते हैं बाय बाय अलविदा, और चलते हैं थोड़ा आगे। जब लास्ट टाइम मैं आया था तो एक कार थी रेड कलर की, इस बार भी एक कार है ब्लू, और कोई तो कलर है यार, मैं कलर पहचान नहीं पा रहा हूँ, आई एम वेरी बैड इन कलर्स। लेकिन लास्ट टाइम जो कार थी उसकी कहानी एकदम मज़ेदार थी, लाल बहादुर शास्त्री के स्टोरी से इंस्पायर्ड थी। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक लोन लेके कार ली थी, लेकिन उनके डेथ के बाद भी वो लोन बचा हुआ था, तो उनके वाइफ ने वो लोन पूरा चुकाया और वो कार बेची नहीं, वो कार रहने दी। तो इट्स ऑल अबाउट लव। तो लास्ट टाइम जो कार डिजाइन की थी हेतल शुक्ला नाम था उन आर्टिस्ट का, और इस बार जो उन्होंने डिजाइन की और इस बार जिस कहानी से इंस्पायर हुए वो है महात्मा गांधी की, जो खादी का कपड़ा है वो यूज करते थे उस समय पे, उसी कपड़े से ये कार को डिजाइन किया गया है। तो लेदर वगैरह बहुत सारे कपड़े यार फैब्रिक्स वगैरह आ चुके हैं, लेकिन वी शुड स्टिक टू द बेसिक, ओल्ड इज गोल्ड। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ से जो स्टॉल्स की लाइन शुरू हो रही है वो यहाँ से उस कॉर्नर तक जा रही है। बहुत बहुत
बहुत सारे स्टॉल्स है। अब हम सारे तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप आओगे तो देख सकते हो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें है। आइएगा और एंजॉय करिए, जब भी आइएगा एंजॉय करिएगा भैया। तो ये है चक्र ऑफ इतिहास। बेसिकली ये जो थीम है इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि बहुत सालों पहले, बहुत 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 सालों पहले हमारी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि बहुत सारा सोना था, सोने की चिड़िया बेसिकली इसलिए कहा जाता था क्योंकि इट वॉज ऑल अबाउट ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल भारत, तो वही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है यहाँ। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप यहाँ पर आओ तो हर एक चीज़ का फोटो ले सकते हो, वीडियो ले सकते हो, लेकिन किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते। तो अभी और आगे जाते हैं और जाते जाते ये जो काले घोड़े साहब है हमारे भाई, तो हम भी काले, ये भी काले, तो हम भाई भाई है, तो इनको सलाम ठोक के जाएंगे। अभी अंदर एंट्री करेंगे भैया, काला घोड़ा फेस्टिवल। तो ये है बंटी और ये है बबली। आप देखते हैं इसके पीछे राज क्या है। ये भी बंटी बबली लग रहे हैं मुझे। Yesterday outdoors, sunshine today gadgets and gizmos. So it's all about the joy of childhood. So all these paintings are for sales. अगर आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं, बस आप यहाँ पर आके इन्हें टच नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी चीज़ को टच नहीं करना है, लेकिन आप इनमें से कोई भी पेंटिंग खरीद सकते हैं अगर आपको ये आर्ट पसंद आता है तो। This is the art I really like the most. इसमें सारे social media apps दिए गए, हमारा YouTube भी है, दूसरे तीसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे टॉप पर दी गई है फैमिली। और इसका, इस आर्ट का बेसिकली मतलब ये बताना है कि जो YouTube, Instagram, ये FB वगैरह, आप ऐसी कई जगहों पर आते हो और बस फोटोज 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 क्लिक करते रहते हो, ये आपको रियल रियल मोमेंट में जीने नहीं देता है। तो इन सबको हटाओ, टाटा बाय करो और जो रियल मोमेंट है उसमें जियो। जैसे हम भी ये व्लॉग बना रहे हैं तो ये हमें इस रियल मोमेंट में जीने नहीं दे रहा है, लेकिन अब क्या करें, हमें पसंद है भैया तो कर रहे हैं। लेकिन ये व्लॉग खत्म होने के बाद हम एक दोबारा राउंड मारेंगे और दोबारा एंजॉय करेंगे। तो यही इस आर्ट का कहना है कि इन सब ऐप्स, ये इंस्टाग्राम, FB, ये सबको दूर करो और थोड़ा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा फैमिली को टाइम दो। हम खाना खाने बैठे, टीवी देखने बैठे हैं, तो फैमिली के साथ भी एंजॉय करो यार। अभी जो नेक्स्ट आर्ट है उसे बहुत ही अच्छी तरह बनाया गया है और ये देखने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी वो है सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर लोगों की भीड़ एकदम कचागच भरी हुई है, सब फोटो 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 खिंचाने के पीछे दीवाने हुए हैं। तो हम भी थोड़ी कोना कोपचा देख के जगह घुसते हैं अंदर और एक हल्का सा वीडियो निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ से देखने जाओ तो सारी चीजें अलग है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम हियर। ये एक ऐसा आर्ट है जो पब्लिक के लिए छोड़ा गया है, मतलब पब्लिक खुद आके इस पर डिजाइन वगैरह कर सकती है। दैट्स द रीजन यहाँ पर लिखा गया है लेट्स मेक अ हाउसी पूल। तो यहाँ पर आप खुद भी आके डिजाइन वगैरह जो नीचे है सब दिया गया है, थोड़ा इनोवेटिव दिमाग लगा के कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जो है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन ये गए साल भी था और अभी आगे चलते लोग ऐसे देखते हैं, ऐसा हंसते हैं ना व्लॉग करते हुए देखते। तो क्या है ना, मैं अभी आप लोगों को एकदम नजदीक अंदर जाके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत 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 ज्यादा भीड़ है और मैं अंदर जाऊँगा तो कुछ शूट भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बार बार से जो दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को उतना ही है। उतने उतने में एंजॉय करो। ये ऐसा ही हो गया कि हाथ को आया मुन्ना लगाया। Can I ask you a few questions? It's actually for my college project. I don't have much information about Kala Ghoda. It's about your experience. Okay, yeah, sure, cool. And what's your name? My name is Dia. Dia, from which college? Sophia College. Sophia College. Yeah. Sophia. I just met Dia from Sophia College. और अभी ये काला घोड़ा को लेकर कुछ यस, सो दिया विल आस्क मी सम क्वेश्चंस। आई मीन इट्स ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस क्योंकि हमें उतना एकदम कड़क नॉलेज नहीं है काला घोड़ा को लेकर, बट आई कैन टेल माय एक्सपीरियंस। यस, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी आता, लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था, दिस इज माय सेकंड वन। तो अभी ये खत्म करते हैं और उसके बाद में तो दिव्या जी के साथ जो हमारा इंटरव्यू रहा, छोटा मोटा सा, काफी अच्छा रहा, पहली बार मैंने कुछ ऐसा किया, सो इट वाज अ रियली फन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन दिव्या। दिया से बात करके RSTDM के दिया मिर्जा की याद आ गई और उन्हें अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए ये फेस्टिवल कवर करना था, तो उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे मुझे। चिड़िया का घोंसला बनाया गया, तो ये चिड़िया का घोंसला एकदम रंग बिरंगी है, पूरी तरह वायर और प्लास्टिक से बनाया गया, अच्छा यूज किया गया वायर प्लास्टिक का। ये जो आर्ट है इसके थ्रू ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यूनिटी इज द पावर, हम सबको
एक साथ एकजुट मिलकर रहना है। और जैसे अभी हमारे देश में हालात चल रहे हैं उससे तो साफ एक चीज़ जाहिर होती है कि भैया एकजुट रहना ही बहुत समझदारी की बात है। और इसी के लिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने फाइट की थी ताकि हम सब एक मिलकर रहे। जो अंग्रेज थे उन्होंने भी यही कोशिश की थी, राइट, डिवाइड एंड रूल करें और कैसे ना कैसे हमारा फ़ायदा निकले इस डिवाइड एंड रूल में से। और अभी भी वही हो रहा है, लेकिन हम तभी भी जीते थे और हम अभी भी जीतेंगे और एक साथ ही रहेंगे। एंड दैट्स द मेन थिंग, राइट। ये एक उंगली होती है तो कमज़ोर होती है, लेकिन जब मैं मुट्ठी बनती है तो एक अलग ही ताकत होती है। तो ताकत यूनिटी में। सो दिस फन एकेडमी रिप्रेजेंट्स आमची मुंबई, इनका ये कहना है जो हम कई सालों से सुनते आ रहे। एकदम बेसिक वन लाइन में आप लोगों को बता देता हूँ, मुंबई इज़ अ ड्रीम सिटी। मुंबई में हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ है, और हर एक चीज़ों को जोड़कर रखती है आमची मुंबई। वक्त फिसलता जा रहा है हाथों से, कोई कहो कि वक्त को ठहर जाए क्योंकि हमें हर एक पल में जीना है। तो ऐसा कुछ कहना है आज का, हर एक पल को खुल के जियो, क्या पता ये जो समय है वो कल होना हो। लिव योर लाइफ जस्ट फॉर टुडे, लिव योर लाइफ हियर एंड नाउ। तो हमारे पीछे है यादों का पेड़। इस पेड़ को देखकर मुझे गाना याद आ रहा है, बॉर्डर मूवी का, सीने से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि तुम कब आओगे, क्योंकि इस पेड़ पर चिट्ठियां ही चिट्ठियां लगी हुई है। अभी जस्ट मुझे एक चिट्ठी यहाँ दूर से दिखी, उसके ऊपर शहीद भगत सिंह का फोटो था, देखते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा है। तो जो शहीद भगत सिंह जी की चिट्ठी थी उसे बनाया था अंश गुप्ता नाम के एक बच्चे ने, फिफ्थ स्टैंडर्ड डिवीजन की। अभी जो अगला आर्ट है वो बहुत ही टचिंग है, एक बहुत ही इमोशनल टच दिया गया उस आर्ट को, कि दिखाया गया है कि माँ के कोख में बच्चा कैसा होता है, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई और बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया भी गया है। ये जो लास्ट आर्ट है, जो लास्ट क्रिएशन है, इसको देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है और होप्स हो कि आपका भी बचपन ताज़ा हो जाएगा। और कुछ कुछ लोग तो अभी भी ये खेलते हैं। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा भवरा। दुनिया के इस सबसे बड़े भवरे के साथ ये व्लॉग समाप्त करने का समय आ चुका है, क्योंकि यही है आखिरी आर्ट, यही ये व्लॉग समाप्त करते हैं। आई एम नॉट श्योर ये व्लॉग कैसा बना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन और कमेंट करके ज़रूर बताना ये व्लॉग कैसा लगा। क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर मैं ऐसी किसी जगह पर जाता हूँ, अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स लेके बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाऊंगा, जैसा आज के व्लॉग में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, वैसे ही आगे भी करूँगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। सो बाय बाय, टेक केयर, और ऐसी सब जगहों पर आया करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसी सब चीज़ें सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं होती, हमारे इंडिया में भी होते हैं। तो डू सपोर्ट। सो बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, आपकी कुल ऑनलाइन बाय बाय। और सीरियसली यार, आज हमारी वाइफ सरकार रागनी जी, हमारी गोलू मोलू और हमारे बच्चू महाराज को बहुत हमने मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। वो लोग अभी गांव में और वो लोग डायरेक्ट अप्रैल लैंडिंग में आएंगे, जैसे मैं पहले के व्लॉग में बता चुका हूँ कि हमारे बच्चू महाराज का बर्थडे 2 अप्रैल को, तो वही सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया हमारे गोलू मोलू और बच्चू महाराज को, स्पेशली मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने, मेरे बच्चे से ज़्यादा मेरे वाइफ को मिस किया, क्योंकि वो अगर यहाँ पर होती ना, हम लोग का मस्ती बहुत चलता था, मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों का मस्ती चलते रहता है और हम लोग लड़ाई झगड़ा चलते रहता है और बहुत मज़ा आता था। मैं चाहता था कि वो यहाँ पर हो, ऐसे जगहों पर आए। मेरी मॉम को, मेरे सब फैमिली को, मेरे भाई को, मेरी भाभी सबको बोला मैंने, चलो जाते, बट कोई रेडी नहीं हुआ। तो इट्स ओके, इज़ देयर चॉइस, एंड आई रियली मिस यू गोलू मोलू और मेरा बच्चू महाराज, स्पेशली टू माय वाइफ, टू माय गोलू मोलू, क्योंकि वो पहले आई और हमारा बच्चू महाराज बाद में आया है। हम जानते हैं आप ये व्लॉग देखोगे, तो आई मिस यू, आना जल्द से जल्द।